हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड वेलिंगर का फेज 2 ऑन हो चुका है, फॉर्म्स वापस एक बार ही अवेलेबल हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने फेज 1 मिस कर दिया था बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं थी कट ऑफ क्या होगा। कुछ बच्चों ने कट ऑफ यू नो मीट करा, कुछ बच्चों ने नहीं करा। अभी इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स, विल टॉक अबाउट प्रोग्राम्स, विल टॉक अबाउट अ कट टू कट कंपैरिजन विद अदर कॉलेजेस ऑल्सो। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपने फेज 1 में अप्लाई करा होगा, अगर आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपको वापस से अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। आपको बस जाके पोर्टल पे अपना जो भी एग्जाम आपने दिया होगा उसका आपको स्कोर अपडेट करना है। कैट हो, जैट हो, एटमा का भी एग्जाम हो चुका है, आप एटमा का भी स्कोर अपडेट कर सकते हो। सीमैट कुछ महीनों में हो जाएगा, आप सीमैट का भी स्कोर वहां पे अपडेट कर सकते हो। फॉर्म्स आर बेसिकली ऑन नाउ। अब बात करते हैं कि सर इनके कट ऑफ्स के बारे में क्या सीन है। सो कट ऑफ्स ओवरऑल अगर आप देखोगे, इन लोगों ने पब्लिश करे, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट वेलिंगर की यार, यू नो ये कट ऑफ वगैरह पब्लिश करके रखते हैं। नाउ यहाँ पे प्रोग्राम वाइज कट ऑफ आपके डिफर करते हैं। सो पीजीटीएम कोर के बारे में बात करूं, ई बिजनेस के बारे में बात करूं, और आरबीए विच इज रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, कैट एंड जैट कट ऑफ फ्लैट 80%, एटमा सीमेट 85%। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे पीजीडी मीडिया हो गया, रिटेल हो गया, तुम्हारा बिजनेस डिजाइन हो गया, कैट जैट 75%, एटमा सीमेट 80%। दिस इज फॉर मुंबई कैंपस, ओके। हेल्थ केयर के लिए 70%, रूरल के लिए 70% एज वेल। बैंगलोर के बारे में बात करेंगे, सो बैंगलोर के बारे में अगर 75% है तुम्हारी इन प्रोग्राम्स के लिए, 80% एटमा सीमेट, एंड देन 70% फॉर बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन। बिजनेस डिजाइन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। बाय द वे एक चीज आप याद रखना, अगर आपने मान लो बिजनेस डिजाइन अगर आपको मिलता है बैंगलोर में, या फिर 70% पे अगर मान लो आपको रूरल मैनेजमेंट मिलता है, सो दिस कैन एक्ट एज अ बैकडोर एंट्री टू वेलिंगर, बिकॉज वेलिंगर का जो प्लेसमेंट है ना वो अम्ब्रेला प्लेसमेंट होता है। सो पीजीडीएम वाला बच्चा, आरबीए वाला बच्चा, मीडिया वाला बच्चा, हेल्थ केयर वाला बच्चा, रूरल वाला बच्चा, ये सब बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं, एंड देर इज नो काइंड ऑफ अ बाइफर्केशन और देर इज नो काइंड ऑफ अ यू नो सेगमेंटेशन एज सच कि भाई अगर आपकी कंपनी कैंपस पे आती है, आपको प्रोफाइल अच्छी लगती है, आपको अप्लाई करना है, बिंदास अप्लाई कर दो, नो डाउट अबाउट दैट। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट वेलिंगर मुंबई एंड बैंगलोर ऑल्सो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत बात करते हैं इनके प्रोग्राम्स के बारे में, रादर डेट्स के बारे में। डेट्स तो देखोगे यार, 27 फरवरी से फॉर्म्स ऑन हो चुके हैं। अब कब तक होगा ये इन लोगों ने नहीं बताया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। फेज 1 में अप्लाई करा है तो फेज 2 में अप्लाई करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो यार वापस से अप्लाई मत करना, फॉर्म के पैसे खर्चा मत करना, ठीक है। फाइव जो आपका फेज 2 होगा वो प्रिडोमिनेटली आपका कट ऑफ के ऊपर ही होगा, तो अगर आपने कट ऑफ मीट करा है तो आप आगे जाके फॉर्म भर सकते हो। सर सीमेट के बारे में क्या सीन है? देखो सीमेट तो होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि सीमेट में आपका 80% प्लस आ जाएगा या 70% तक आने के चांसेस है, जो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो भी आप जाके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के फॉर्म्स आप भर सकते हो। फाइन, आगे चलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी फेज 1 करा है और अगर आपके पास एटमा वगैरह का कुछ स्कोर अवेलेबल होगा तो आप जाके वो स्कोर भर सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे इनके ओवरऑल प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में, सो देखो भाई इनकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो मुंबई के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो मुंबई की हाईएस्ट प्लेसमेंट इज राउंड अबाउट 40 लाख पर एनम। आई रिमेंबर मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर इनकी वेबसाइट पे ना ये लोगों ने अपडेट नहीं करा है, अभी भी हमें ये 24 लाख ही दिख रहा है। सो 40 लाख का जो नंबर है, इज दैट इवन अ लेजिट नंबर? नाउ इफ यू सी, इट इज बीन अपडेटेड हियर, ओके। सो दैट्स 40 लाख। अगर मैं बात करूँ मिड इन सैलरी, मिड इन सैलरी इज राउंड अबाउट 12.5 लाख, दैट इज काइंड ऑफ क्रॉसिंग 12.5 लाख, एंड एवरेज इज राउंड अबाउट 13 लाख। मैं पहले से कह रहा हूँ दिस इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड, राइट। बैंगलोर इनकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 17.5 है, थोड़ा सा इस बारी मेरे ख्याल से घसर गया, थोड़ा कम हो गया, बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर अच्छा नंबर था। मीडियन इज 11.5, एवरेज इज राउंड अबाउट 11.11। बट फिर भी अगर आप देखो बैंगलोर में आपकी कॉम्पिटिशन बहुत कम है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू मुंबई। अब मैं बात करूँगी इनके प्रोग्राम्स के बारे में, अगर बात करूँ थोड़ा देख लेना इसके प्रोग्राम वाइज, ठीक है। PGDM कोर मार्केटिंग फाइनेंस, इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम, आप जा सकते हो। हाईएस्ट इनकी 24 है, एवरेज राउंड अबाउट 13.5 है, ठीक है। ई बिजनेस बच्चों को लगता है इट्स ओनली अबाउट आईटी, नहीं मेरे भाई, इट्स नॉट अबाउट आईटी, इसमें फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, मार्केटिंग सब कुछ कर सकते हो। हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 18.5 लाख, एवरेज राउंड अबाउट 12.5 लाख, ठीक है। बिजनेस डिजाइन की फैन बेस अलग है, हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 18 लाख पकड़ लो, एवरेज इज राउंड अबाउट 13.2 लाख, ठीक है। आगे चलेंगे रिटेल के बारे में, नंबर्स आर डिसेंट, रूरल के नंबर्स भी डिसेंट है। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप देखते हो एवरेज 11 लाख के ऊपर ही है। अगर मैं बात करूँ मीडिया, यार मीडिया में भी ये लोग 12 लाख टच कर रहे हैं,
विच इज नॉट ए बैड नंबर एट ऑल। हेल्थ केयर के बारे में अगर हम बात करते हैं, भाई साहब हेल्थ केयर का नंबर देखो, हाईएस्ट 18.5 लाख एंड एवरेज इज अराउंड अबाउट 12.5 लाख। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं बॉम्बे में केजे सोमैया वर्सेस वेलिंगकर, मैं डे वन से कह रहा हूँ वेलिंगकर के लिए अप्लाई करो, बिकॉज नाउ द टेबल्स हैव चेंज्ड, द मार्केट हैज चेंज्ड एंड वेलिंगकर हैज बीन डूइंग रियली गुड। सो हेल्थ केयर वगैरह के लिए मुझे लगता है केजे सोमैया से ये कॉलेज तगड़ा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, नो डाउट अबाउट दैट। फाइन, सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। एडवांटेजेस में आपको वेलिंगकर के फटाफट बता देता हूँ, अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के लिए 80% के ऊपर अगर आप हो, आप यार मुंबई के हर एक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू के लिए भी हम आपको प्रिपेयर करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। इंटरव्यू इज डन, यू गेट लॉट ऑफ कॉल्स बाय द वे। आपके पास 3-4 प्रोग्राम है, आप कोई भी प्रोग्राम चूज कर सकते हो। अम्ब्रेला प्लेसमेंट होने की वजह से आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप किसी भी प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ICICI हो, मॉर्गन स्टैनली हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इनके बेंगलुरु के नंबर्स हैं डिसेंट। अगर इनकी जो ट्यूशन फी है वो 14-15 लाख है, वो थोड़ा देख लेना, उसके लिए ROI मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। सो गाइज, आपने कहा, आपने रिक्वेस्ट करा कि सर फॉर्म्स अवेलेबल है क्या, नाउ द फॉर्म्स आर ऑन, स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म्स आर ऑल्सो बीन गिवन हियर, ये थोड़ा फॉलो करना, देख लेना, एंड यू कैन नाउ गो हेड एंड फिल द फॉर्म फॉर वेलिंगकर मुंबई। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ क्वेरी है, इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। एंड गाइज, अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, अभी हमने 1,40,000 क्रॉस करा है, एंड बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है जहाँ पे बच्चों को हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के अपडेट्स यहाँ पे आते हैं, कॉलेजेस का कंपैरिजन हो गया, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज नहीं लेना है, कॉलेज की रियलिटी चेक यहाँ पे दी जाती है, प्लस एग्जाम की स्ट्रैटेजीज वगैरह वगैरह मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गो हैड एंड फिल वेलिंगकर का फॉर्म। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, टेक केयर एंड बाय।